गर्मी तो ऐसा लगता है जिसे ख़त्म ही नहीं हो रही है, दिन पे दिन और बढ़ती जा रही है। तो इसी गर्मी में मेरा ये समर रूटीन जो सुबह सुबह शुरू होता है, कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता, लेकिन जितना भी मुझसे होता है उतना मैं कोशिश करती हूँ कि ये सुबह ही हो जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, डिटॉक्स वाटर बनाती हूँ। डिटॉक्स वाटर के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ट्रस्ट में, आपको सिर्फ पुदीना चाहिए, एक कुकुम्बर चाहिए और तो एक लेमन चाहिए, और अगर आपका मन हो तो आप नींबू उसमें निचोड़ भी सकते हैं, जो कि मैं नहीं करती हूँ। और आपको ठंडा पानी चाहिए, क्योंकि डिटॉक्स गर्म पानी में आप नहीं पी सकते, मतलब मुझसे तो नहीं पिया जाता, बाकी मुझे पता नहीं, अगर आप पी सकते हो तो बिल्कुल पियो। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जी मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट बताए इनको धो लो अच्छे से, उसके बाद एक ग्लास का जार लेना है, अगर आपके पास जार है तो जार लो, आजकल डिटॉक्स पूरा टैंक भी आता है तो अगर आपको वो टैंक लेना है तो वो लो, ग्लास की कोई बोतल लेनी है तो वो लो। तो मैं ये ग्लास का जार ले रही हूँ जिसमें पहले मैंने पुदीना डाला, उसके बाद मैंने बहुत पतला पतला करके कुकुम्बर इसमें डाला। वो पतला इसलिए क्योंकि वो एक ना एक बार थोड़ा मतलब वेस्ट हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा उसके पतला अगर करके डालेंगे तो वो ज़्यादा उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी में आएंगे। उसके बाद लेमन के साथ भी आपको सेम ही प्रोसेस करना है, लेमन को भी पतला पतला स्लाइस में कट कर लेना है एंड इसके बाद लेमन भी उसमें डाल देना है। एंड इस पूरे प्रोसेस में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, मतलब आपको सिर्फ सुबह इसको बना के रखना और पूरे दिन इसको रिफ़िल करते रहो। मतलब मेरे इस मग में 3 ग्लास पानी आता है और जब तीसरा ग्लास मैं पी ख़त्म होने वाला होता है तो मैं उसको पहले ही रिफ़िल कर देती हूँ। अब इसमें चिल्ड पानी डाल दो, आपका मन है आपको बहुत ज़्यादा देर तक ठंडा पानी रखना है तो आप इसमें आइस क्यूब डाल दो। मैं आइस क्यूब अभी नहीं डालती क्योंकि अभी मैंने ठंडा पानी ऑलरेडी डाला है, जब ये थोड़ा क्योंकि ये बाहर ही रखा रहेगा थोड़ा ये नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा फिर मैं इसमें आइस क्यूब ऐड कर दूँगी। ओके, तो डिटॉक्स वाटर तो हो गया। अब सेकेंड थिंग जो समर में मेरा रूटीन है करने का, जितने भी फ्रूट्स हैं उनको मैं सुबह ही कट कर देती हूँ, क्योंकि कई बार ये होता है ना कि हम खाना खा रहे हैं लेट खा रहे हैं, या फिर जो ये वाटरी फ्रूट है ना ये आपको बहुत अच्छी हाइड्रेशन देते हैं। तो जैसे ये खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, या फिर और भी कोई फ्रूट्स हैं, आप उनको धो के अच्छे से कट करके फ्रिज में रख दो, ताकि आप ऑन द स्पॉट अगर आप कुछ ढूंढना जाओ ना मंचेस के लिए कि खाने के लिए यार कुछ तो चाहिए, तो आपको फ्रिज खोलो और बाउल में फ्रूट्स दिखे, मतलब आपने एक तो हेल्दी भी खा लिया, दूसरा आपको डिहाइड्रेशन नहीं हुई क्योंकि आप फ्रूट खा के हाइड्रेट हो गए ऑब्वियसली। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में इसके बीज अलग से निकाल के छोटे छोटे पीसेस में ये खरबूजे को कट कर लिया, उसके बाद इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि और बाहर तो इसको छोड़ नहीं सकते ना, मतलब अगर हम बाहर फ्रूट्स को छोड़ते हैं तो उनका जो थोड़ा सा वो होता है ना गिल गिले, मतलब फ्रूट थोड़े से गिल गिले हो जाते हैं तो वो खाने में भी मज़ा नहीं आता उनको। तो दैट्स ऑल, इन्जॉय दिस प्रोसेस। उसके बाद मैंने मतलब ऐसे ही धीरे धीरे मैंने सारे फ्रूट्स भी कट करे और भी खरबूजा काटा, खरबूजा लेके आए, खरबूजा काटा। अच्छा, खरबूजे की तरबूज की आपको एक पहचान बताती हूँ, जो ये येलो पार्ट होता है ना, आप कभी भी मार्केट में तरबूज लेने जाओ, आजकल इतने नकली तरबूज आ रहे हैं, इन्फेक्टेड तरबूज आ रहे हैं, तो जो ये येलो पार्ट होता है ना आप ये देखो, जिस तरबूज पे ये येलो पार्ट बना होगा ना, मतलब वो असली फ्रूट है, उसको केमिकल्स के थ्रू उगाया नहीं गया है, क्योंकि ये जो निशान होता है ना ये आपका जहाँ पे ये उगता है जिस खेत में मतलब ये उगता है उसमें जब ये उल्टा रखा होता है ना, मतलब जिस साइड ये ज़्यादा प्रेशर में होता है उस साइड ये येलो येलो हो जाता है, ऐसा मैंने एक वीडियो में देखा था। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है, बट मुझे लगा कि हाँ यार ये थोड़ा सा ही हो सकता है। और दूसरी तरबूज की ये पहचान होती है कि जब आप तरबूज काट रहे होते हो ना तो आपके हाथ रेड रेड नहीं होने चाहिए, अगर वो रेड हो रहे हैं तो मतलब गड़बड़ है। ओके, तो तीसरी चीज़ जो मैं करती हूँ, जो मैंने अभी शुरू करी हुई है, ABC ड्रिंक बनाना बहुत ईजी है और ये आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको एप्पल लेना है, कुकुम्बर लेना है, बीटरूट लेना है और पुदीना, क्योंकि आजकल पुदीना इतना अच्छा आ रहा है और आ रहा है तो आप यूज़ कर सकते हो। पुदीना लेना है, इनको एक जार में डालना है और पानी डाल के इनको अच्छे से ब्लेंड कर देना है, मतलब एक स्मूथी टाइप बना लेनी है। उस स्मूथी में जब ये स्मूथी बन जाए, रेडी हो जाए, उसके बाद बस इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दो और इसको पी लो। ये ABC ड्रिंक जब आप पियोगे ना, अगर आप डेली इसको इंक्लूड करोगे, ट्रस्ट मी गाइस, आपको अपने फेस पे विजिबल चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, मतलब आप खुद कहोगे कि यार सच में फेस ग्लो करने लगा है। और ओवरऑल ये आपकी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है
एप्पल कुकुम्बर और बीटरूट के तो बहुत फ़ायदे हैं यार। तो इस जूस को आज ही अपनी ड्रिंक्स में, अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करो। मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करना शुरू करी है धीरे धीरे, क्योंकि अगर मैं एक साथ करूँगी ना तो वो मेरे लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा और मैं भूल जाऊँगी या फिर मेरे को आलस आ जाएगा, मैं करूँगी नहीं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो।